आज हम बनाना कैरामेल पुडिंग केक बनाएंगे। देखिए ये कितना स्वादिष्ट और लजीज है। मैंने इलेक्ट्रिक पैन को ऑन कर दिया है। फिर मैंने उसमें 100 ग्राम चीनी डाली है। मैंने मध्यम आंच का उपयोग किया है। इसे तब तक पकाएं जब तक यह पीले भूरे रंग में परिवर्तित ना हो जाए। जब चीनी पिघल जाए और सुनहरे रंग की हो जाए तब यह तैयार है। इसे तुरंत एक केक पैन या कटोरी में डालें और अलग रख दें। अब 5 अंडे लें, इन्हें ब्लेंडर में फेंटने के लिए तैयार रखें। उसमें 400 ग्राम दूध डालें, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालें, 4 केले लें और उनका छिलका उतारें। अब इसे उस कटोरी में डालें जहां चीनी की चाशनी रखी है। ऊपर से झाग हटा दें और इसे फॉइल पेपर से ढक दें। एक पैन लें और उसमें 400 ग्राम पानी डालें। मध्यम आंच पर इस कटोरी को 50 मिनट तक स्टीम करें। फिर फॉइल पेपर को हटाएं, इसे ठंडा होने दें। फिर इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें ताकि अच्छा स्वाद आए। और 3-4 घंटे बाद देखें ये कितना शानदार और स्वादिष्ट लग रहा है। इसे टुकड़ों में काटें और रेसिपी का आनंद लें।